फाते वो अकरम कहाँ है? मरने पे नहीं आया? हाँ फातिमा, वो कहाँ गायब है? वो चला गया। क्या मतलब? कहाँ चला गया वो? क्यों चला गया? अपने भाई के पास चला गया वो। क्या मतलब? जब उसका इस घर से कोई रिश्ता ही नहीं, तो वो क्यों गया? कहाँ गया? क्यों बता के जाएगा? क्या रिश्ता? मैं समझी नहीं। अम्मा वो मुझे हाँ बोल, क्या बोल रही है? तलाक देगी है मुझे? तलाक देगी है वो मुझे? क्यों रोती है तू? वो आएगा तेरे पास, जरूर आएगा, और मौत मांगने के लिए आएगा। बाबा जी, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। आपको पता है वो अगर जिसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, वो चला गया, मुझे छोड़ के चला गया वो, और मेरी सितारा, मेरी बहन, जिससे मैं अपने हर दुख हर दर्द बांटती थी, अब वो भी नहीं है। उसे भी अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। हमारे घर को पता नहीं किसकी नजर लग गई। कोई नहीं है बाबा जी, मैं खाली हाथ हूँ, मैं खाली हाथ हूँ। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। चुप कर जा। रशीदा, ये फाती किधर चली गई है तुझे छोड़कर? हाँ वो बेचारी तो बासु के साथ ढोर डंगरों के लिए पट्टे लेने गई है। अच्छा उठ, ये दवाई ले, मैं पानी लेके आता हूँ। नहीं नहीं रहने दो, फातिमा आएगी मुझे दवाई दे देगी। दवाई लेगी तो ठीक होगी ना? अब ठीक होने को दिल नहीं करता। और ये सारी मुसीबतें उसी की तरफ से हैं, हम क्या कर सकते हैं सब्र शुक्र के अलावा? एक मिनट में सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। ना लगा इन दुखों को दिल से, ये दिल में बस जाए ना तो सीने में दिल नहीं रहता। एक ही बेटी तो चली गई ना, अब दूसरे का सोच उसका क्या करें? अजीज को फोन कर कि उसने हमारी बच्ची को किस जुर्म की सजा दी है। रशीदा फिक्र ना कर, मैं करूंगा फोन, उसको पूछूंगा मैं। जरा खान, मुबारक हो सरदारा, उन दोनों को खत्म कर दिया। वेल डन जरा खान, वेल डन। किसी को शक? नहीं नहीं, किसी को शक नहीं। हाँ सरदार, अगर तुम कहे तो ये मालिकदाद का बेटे का लाश उसको तोहफे में भेज दो। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो सारी उम्र इसी तरह जिएगा, उसको अपने बेटे का आखिरी दीदार भी नसीब नहीं होगा। ठीक है सरदारा, जैसा तुम्हारा हुक्म यारा। ठीक है, तुम जल्दी से गांव पहुंचो, और भी बड़े काम है। पहुंचा पहुंचा, अभी फौरन पहुंचा भाई। आए आए, खुदा हाफिज। मैं अपनी बहन को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता।
बहुत प्यार करती थी मुझसे ये। प्लीज आजाद अपने आप को संभाले। खुद को अगर कोई संभाल सकता होता तो सभी उसको क्यों सहारे देते। मैं संभालूंगी ना आपको। या अल्लाह, बहुत बुरा हुआ तंजीला के साथ, बहुत बुरा। अरे इसका तो इतना कसूर ही नहीं था, इसको सजा मिली है। चले ना, बस घर चलते। अब क्यों रो रही है? अब फिरती रह कल्ली। उस वक्त तुझे बोला था ना कि उसे साथ लेकर ना निकला कर। बाबा जी, मुझे ये तो बताओ मेरी गलती क्या है? गलती वो जानता है, वो जानता है। बाबा बाबा, मुझे ये तो बता दो, हमारी सितारा को किसने मारा है? किसने हमसे दूर किया है? मुझे बताते। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। तुझे पता है, तुझे पता है बाबा? तू बताएगा, तू बताएगा मुझे? मुझे बताते, मुझे बताते। बेटा, हर मुश्किल के बाद आसानी है, आसानी है बेटा। हाँ, आसानी है, आसानी है। बाबा, बाबा, बाबा। जीती रह पुत्र, दुआ ना दिया कर अम्मा। क्यों, तू परेशान रहती है ना? हाँ नहीं अम्मा, मैं क्यों परेशान रहूंगी भला, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मैं तेरी माँ हूँ, सब समझती हूँ। तेरे अब्बे ने अजीज से बात की थी, अकरम से बात नहीं की। क्या फायदा उससे बात करने का, खुद रिश्ता तोड़ के क्या है? अब सदाई क्यों दे उसे? जरूर से पूछना तो है ना कि हमारी ती ने इतना बड़ा कौन सा जुर्म कर दिया जिसकी वो ये सजा देकर गया है? सजा उसने नहीं दी अम्मा, सजा तो किस्मत ने दी है। जो होना था हो गया। हमारे घर को देख अम्मा, कैसी वीरानी टपक रही है। एक वो वक्त था जब रौनक होती थी, मैं, सितारा, हमारी हंसी की गूंज। अब तो जैसे कुछ भी नहीं रहा। वो हमेशा जिद करती थी तेरे साथ जाने की। अम्मा क्यों किया, खुदा ने क्यों किया हमारे साथ ऐसा, क्यों आखिर? तो परेशान ना, अल्लाह मालिक है, वो जो चाहे कर सकता है, हम उसके बंदे। सफर कर।